आईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, फंक्शन की के बारे में, और बाकी सब आप इनपुट डिवाइस के बारे में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि इनपुट डिवाइस में देखिए बहुत प्रकार के सिंबल भी दिया हुआ है, और किस प्रकार के सिंबल का क्या नाम होता है, ये सारे के सारे सिंबल आपके कीबोर्ड में दिए गए होते हैं। और किस सिंबल को हम कैसे पहचान करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो सिंबल, इसका नाम होता है हमारा क्या, टाइल्ड नाम होता है। इसके बाद से यहाँ पे लेफ्ट क्विट होता है, इसके बाद से ये एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। जैसे कि अपनी कंप्यूटर में आप कोई भी वर्क करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि आप एक्सेल के ही सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे सिंबल का भी रिक्वायरमेंट आता है। या कोई सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उस पे अगर सिंबल लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो जब तक आप सिंबल का नाम नहीं जानेंगे तब तक आप सिंबल को टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया भी है, एट द रेट का सिंबल है, जैसे जीमेल वगैरह लिखने में एट द रेट का सिंबल की रिक्वायरमेंट आती है। इसके बाद से हैज का सिंबल है, इसके बाद से डॉलर का सिंबल है, फिर परसेंटेज का सिंबल है, फिर कैरेट का सिंबल है, एंड का सिंबल है, स्ट्रिक का सिंबल है, ये सब एक प्रकार के सिंबल होते हैं। देखिए ये सबके सब कीबोर्ड में हमारे पाए जाते हैं जो एक प्रकार के सिंबल होते हैं। अगला जो दिया है, और भी सिंबल जो आपका दिया हुआ है, देखिए इसके बाद से यहाँ पे पैरांथियसिस होता है, ओपन पैरांथियसिस होता है, फिर क्लोज होता है, फिर यहाँ पे हाइपन का सिंबल दिया है, अंडर स्कोर का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस का सिंबल है, इक्वल टू आपका दिया हुआ है, लेफ्ट ब्रेकेट है और राइट ब्रेकेट यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन ब्रेकेट क्लोज ब्रेकेट दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ वर्टिकल आपका दिया हुआ है। ये सारा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे एम एस वर्ड चाहे एम एस एक्सेल पे जब आप काम करेंगे तो ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी आएगी, सिंबल की रिक्वायरमेंट आएगी। तो किस सिंबल का क्या नाम होता है, ये नाम जानेंगे तभी आप कोई भी सिंबल का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे वर्टिकल दिया हुआ है, ये बैक स्लैश दिया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, कॉलन आपका दिया हुआ है, सेमी कॉलम है आपका, इसके बाद से क्वोटेशन मार्क आपका दिया हुआ है, सिंगल क्यूट है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, कॉमा है, इसके बाद से यहाँ पे डॉट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये सब के सब एक प्रकार के सिंबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो आता है स्पेशल, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था पूरा। अब आता है हमारे पास इनपुट डिवाइस में माउस का स्ट्रक्चर। कीबोर्ड के बारे में मैंने पढ़ा दिया ना पूरा, अब हमको माउस के बारे में समझना। देखिए माउस की बात करें तो माउस में दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। जो बीच वाला होता है इसको हम बटन नहीं बोलते हैं, इसको हम स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इसमें कीबोर्ड में कि पहले PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस आता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लाए गए। मतलब इसके स्थान पे अगर हम पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव का जो कोट होता है वो आपका क्या होता है, चपटा टाइप का होता है, और ये अगर गोल टाइप का दिया है तो इसके जगह पे हम इसको नहीं लगा सकते हैं। तो बाद में क्या किया गया कि इस पोर्ट को हटा करके और ये USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लगाया गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा USB टाइप का कीबोर्ड और माउस आने लगे। तो यही हमारा क्या है, माउस का स्ट्रक्चर है। माउस में दो प्रकार के बटन, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और बीच वाले को स्क्रॉल व्हील के नाम से जाना जाता है। तो माउस का वर्क क्या होता है, तो यहाँ पे माउस के वर्क के भी बारे में आपका दिया गया होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि द माउस इज मस्ट, कह रहा है कि द माउस इज द मस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस, एज द माउस इज मूव इट मोमेंट्स आर मिरर बाय द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। यानी कि जो हमारा माउस होता है ये बहुत ही मोस्ट एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, और इसका प्रयोग हम अपने स्क्रीन पर पॉइंटर को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? माउस का प्रयोग। क्योंकि माउस का मुख्यतः चार कार्य होता है। कितना होता है? चार कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर एक बार किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। उसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट आपका ओपन हो जाता है, और कह रहा है कि राइट क्लिक किसी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑप्शन ओपन करने के लिए, और चौथा दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये चारों का ऑप्शन का बारे में आप समझिएगा। पहले अगर आप एक बार क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसी ऑब्जेक्ट पे जब दो बार क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, और उसी ऑब्जेक्ट पे जब राइट क्लिक करेंगे
तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और चौथा दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। इसका हम कैसे प्रैक्टिकल समझेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहां से जो है इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर मान लीजिए तो हम चलते हैं विंडो प्लस ई दबा करके दिस पीसी के म्यूजिक में आ जाते हैं। एक फोल्डर बना हुआ है ट्रिपल सी डेटा के नाम से, देखिए दिख रहा है ना। इसी फोल्डर पे अगर माउस का आप लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये फोल्डर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया ना, क्योंकि इसी पे मैंने क्लिक किया। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, सिलेक्शन से बाहर हो गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी पे माउस का यदि 2 बार दबा देते हैं बटन तो ये ऑब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, देखिए ठीक है। और इसी पे अगर आप माउस का राइट बटन दबाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ओपन करना हो, सेंड करना हो, कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे ऑप्शन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हैं म्यूजिक में, अगर एक बार डेटा पे सिलेक्शन करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी पे अगर आप 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये डेटा आपका ओपन हो जाएगा। और इसी पे अगर माउस का राइट बटन दबाएंगे तो ये डेटा से रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। और चौथा दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए, मतलब ये डाटा यहाँ पे है, इसको हम हटा करके यहाँ पर ला करके रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। बस यहीं पे आकर के कहीं रख दीजिए, जैसे कि मैंने इसी फोल्डर में ला करके रख दिया। ट्रिपल पी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहीं पे ट्रिपल सी का डेटा आपको मिल जाएगा। यहां से भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ले जाकर के मैंने डाउनलोड में रख दिया, देखिए अभी डेटा आपको डाउनलोड में मिल जाएगा। देखिए ट्रिपल सी का फोल्डर, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, मतलब एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारे माउस का चार वर्क होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है, अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ये है आपका स्कैनर। क्या है स्कैनर? तो स्कैनर का प्रयोग आपको पता ही है, जैसे कि कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट अगर आपको स्कैन करके अपलोड करना हो तो स्कैनर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करता है ट्रिपल सी, या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें कहता है कि फोटो को आप स्कैन करके अपलोड करिए, सिग्नेचर स्कैन करके तब अपलोड करिए, थंब स्कैन करके तब अपलोड करिए। तो ये सारे के सारे डेटा को स्कैन करने के लिए हमको स्कैनर की ही हेल्प लेना होता है। और स्कैनर है क्या, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जैसे यहाँ की बताया जा रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। कोई भी फोटो हुआ या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हुआ, इसको स्कैन करने के लिए आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना होता है। और इसके बाद से लिखा हुआ है कि इमेज डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। जैसे जो हमारा मेन जो वर्क होता है, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ही हम उसको स्कैनर में डालते हैं तो वो डेटा को क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। और स्कैन करने के बाद कह रहा है कि वो स्कैनर फॉर्मेट में कह रहा है कि इमेज डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसको स्कैन करने के बाद किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर हो गया, फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया इत्यादि को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक ओरिजिनल जो हमारा मार्कशीट होता है उस मार्कशीट को हम क्या करते हैं, स्कैनर में लगाते हैं स्कैन करने के लिए, तो एक प्रकार का वो हमारा हार्ड कॉपी होता है। और जब हम स्कैन करके जो डेटा को सेव करते हैं वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलिए कि आप प्रिंटर से ही देखे होंगे, आपने प्रिंटर से क्या करते हैं, जैसे कि प्रिंटर से इसी डेटा को हम प्रिंट आउट बाहर निकालेंगे तो इसको हम सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये कंप्यूटर में दिखा रहा है तो एक प्रकार का हार्ड कॉपी। समझ में आ रहा है ना? हार्ड कॉपी का मतलब मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है फोटो कॉपी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और देखिए इसका इसका लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके, स्कैनर का प्रयोग करके, मतलब स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी डेटा को स्कैन करके हम
हम आसानी तरीके से उसको कहीं पर भी अपलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है आपका ओसीआर, और ओसीआर का पूरा नाम लिखा हुआ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये क्या होता है, तो कह रहा है कि ओसीआर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। मतलब मान के चले कि कोई पेपर पे या कोई कागज पे विशेष कोई फॉन्ट वगैरह लिखा हुआ है, उसको अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओसीआर का हेल्प लेना होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओसीआर डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल भी बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है, और ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। और कह रहा कि ओसीआर विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, मतलब सारे फॉन्ट को ओसीआर आपका स्कैन नहीं कर पाता है, कुछ स्पेशल फॉन्ट ऐसे होते हैं जिसको स्कैन करने के लिए हमको ओसीआर का हेल्प लेना होता है। करें कि ओसीआर वाले फॉन्ट अक्षरों को स्कैन करता है जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो कंप्यूटर में पहले से ही क्या होता है, संग्रहित रहता है। मतलब इसको अलग से स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑलरेडी पहले से हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है। और फिर लिखा है कि ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदलता है, और फिर प्रत्येक अक्षर की तुलना बिटमैप की तुलना ओसीआर फॉन्ट से करता है, और मैच करने पर कैरेक्टर यानी कि अक्षर में बदल देता है। मतलब जैसे कि मान के चलिए कि जब हम इसको स्कैन करेंगे तो जो जो भी डेटा वो स्कैन करेगा उसको एक बिटमैप इमेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब फाइल का भी एक टाइप है, इमेज का एक टाइप है जिसको हम बिटमैप इमेज बोलते हैं, उसी इमेज में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। और फिर जब ओसीआर फॉन्ट से क्या करता है, स्कैन करते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले बिट मैप से क्या करता है, कंपरिजन करता है, तुलना करता है, और जब कंपरिजन हो जाता है, जब मैच हो जाता है, तब उन्हें अक्षर में बदलने का काम करता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, जॉयस्टिक। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये सब कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, तो कह रहा है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को कंट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है, और कह रहा है कि और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन भी होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा भी जा सकता है। यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम के खेलने में काम में आता है। ये किसकी बात हो रही है, जॉयस्टिक की बात हो रही है, यानी कि जॉयस्टिक का प्रयोग कह रहा है कि अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले क्या होते हैं, बटन भी होते हैं, और कह रहा है कि जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता है, और यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम के खेलने में काम में आता है। मतलब जॉयस्टिक के माध्यम से हम वीडियो गेम को भी खेल सकते हैं, और प्लस ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद भी करता है, और जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों में किया जाता है, ट्रकों में किया जाता है, पहियेदार कुर्सियों में किया जाता है, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों आदि जगहों पर जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और कह रहा है कि जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है, जैसे कि एक नॉर्मल तरीके से हम बात करें तो आपने पहियेदार कुर्सी देखा होगा जो ऑफिस में लगाया जाता है, ठीक है ना, उसमें भी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक सीसीटीवी जो कैमरा होता है जो बहुत सारी इमेज को कैप्चर करने का काम करता है, उसमें आपको केयर करिएगा, उसमें वो क्या करता है, घूमता रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में से घूमता रहता है, और घूम करके क्लास में बैठने वाले सारे लोगों को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, एक प्रकार का आपका निगरानी कैमरा उसी को बोला जाता है। और फिर कह रहा है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं, और जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है, और कह रहा है कि जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ लेता है, और उसके आधार पर अपना काम भी कर सकता है। ये जॉयस्टिक का फिगर जो आपके सामने दिया हुआ है, देखिए। अब चलिए कह रहा है कि जॉयस्टिक के क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि यह शुरू के लोगों को आसानी से इस्तेमाल करने में उपयोगी होता है, और फिर कह रहा है कि इसकी काम करने की क्षमता काफी अच्छी भी होती है, और फिर कह रहा है कि यह आसानी से चलाने के काम में भी आता है, और यह 3D तरीके से चलाने के भी काम में आते हैं, और यह रेसिंग और मिशन गेमों में काफी अच्छे से भी काम करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा गेम होता है जो रेसिंग टाइप का गेम होता है, या जो मिशन होता है, जो मिशन वाला गेम होता है, उसमें जॉयस्टिक का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है
माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के बारे में आप सभी को पता होगा, हर जगह मोबाइल में माइक्रोफोन दे रखा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां पर भी माइक्रोफोन मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वहां पर भी माइक्रोफोन मिल जाएगा, गूगल क्रोम पे जाएंगे तो वहां पर भी माइक्रोफोन मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो माइक्रोफोन जो है ये होता क्या है, तो हमारी जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कह रहा कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। जैसे आज क्या है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अगर गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करना चाहता है तो अगर उसको बोलना आता है तो बोल करके जरूर सर्च करा लेता है। बोलिए, आज व्हाट्सएप में भी ऐसा फैसिलिटी मिला हुआ है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुंह से बोलेंगे तो आपकी आवाज वहां पे वहां तक पहुंच जाएगी रिसीवर के पास। इसमें एक और ऑप्शन है कि जो आप बोलेंगे उसको टाइप भी कर देगा, लिख भी देगा उसको। तो ये सब एक प्रकार के माइक्रोफोन, इसी माइक्रोफोन के जरिए हम ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देते हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं एक प्रकार का ऑडियो होता है। वो कह रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है, और कह रहा है कि इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को भी डाल सकते हैं। अभी आपने चेक किया होगा स्मार्टफोन में एक ऑप्शन दिया होगा, जैसे नोट्स वगैरह उसमें दिया है, कुछ नोट्स अगर आपको लिखना है तो आप नॉर्मल टाइपिंग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोफोन के माध्यम से बोलेंगे तो आपका टाइप होता जाएगा पूरा। ये सब एक प्रकार के माइक्रोफोन। और कह रहा कि माइक्रोफोन को MIC भी कहा जाता है। माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने मतलब लेने की अनुमति देता है, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज निकलता है उसको हम ऑडियो बोल सकते हैं, उसी ऑडियो के जरिए हमारे कंप्यूटर में इनपुट लेने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया था। ये एग्जाम में अधिकतर मात्रा में पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम माइक्रोफोन का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आप इसमें बता सकते हैं कि इमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया हुआ था। और कह रहा है कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर में भी किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग में भी किया जाता है, और सिंगिंग और आदि कई प्रकार के कार्यों में किया जाता है। माइक्रोफोन एक ऐसा युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है, मतलब इसके माध्यम से हम डेटा तो इनपुट कराते हैं लेकिन ऑडियो के रूप में डेटा इनपुट कराते हैं। और इसके माध्यम से क्या क्या काम हो सकता है, तो वॉयस रिकॉर्डर, अभी जब एग्जाम वगैरह आता है तो आपने सुना होगा कि वॉयस रिकॉर्डर लगा हुआ है, आप शोर मत करिएगा कि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा होता है ना। इसके साथ साथ ऑनलाइन चैटिंग जो मैंने अभी आपको बताया है, ऑनलाइन चैटिंग में भी इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, और कई लोग गाना गाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, तो सभी प्रकार के माइक्रोफोन ही होते हैं जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आपका वेब कैमरा। क्या दिया है, वेब कैमरा, यही है आपका वेब कैमरा जो हम सामने दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये दिख रहा है सबको, यही है वेब कैमरा, इसके माध्यम से लाइव क्लास वगैरह प्रोवाइड। जैसे कि वेब कैमरे के बारे में कह रहा है कि इसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है, और यह कंप्यूटर पर USB पोर्ट से जुड़े होते हैं, मतलब इसका भी जो पोर्ट होता है वो USB टाइप का ही होता है, मतलब अगर कीबोर्ड वाला जो मैंने अभी आपको बताया, माउस वाला जो मैंने बताया है, उसी टाइप का इसका भी पोर्ट होता है। और फिर कह रहा है कि तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकता है, और कह रहा है कि वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए, और वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है, और वेब कैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्ट्रीम करता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं होती, जो आपका करंट का इमेज बन रहा है उसी इमेज को ये कैप्चर करने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि वेब कैम वीडियो कैमरा जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर के नेटवर्क पर स्ट्रीम करता है, और जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब उसे सेव व्यू या सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं, और आप इसे इंटरनेट या मेल अटैचमेंट के जरिए भेज भी सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास लाइव चल रही है, आपकी क्लास लाइव चल रही है, इससे प्लस पॉइंट ये है कि जो बच्चा अगर घर पे होगा वो बच्चा आसानी तरीके से ज्वाइन करके अपनी क्लास को पढ़ सकता है, ये पूरी स्क्रीन शेयर कर दी जाती है। अगर वो बच्चा लाइव पढ़ना चाहता है तो अपने स्मार्टफोन में जैसे ही वो लॉग इन करेगा ऐप में, वो डायरेक्टली वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये देन है तो बस एक वेब कैमरे का ही देन है, क्योंकि वेब कैमरे के माध्यम से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी की क्या होती है, वीडियो हमको तैयार होकर के मिल जाती है, और यही वीडियो शाम के टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है, यूट्यूब पे ट्रांसफर किया जाता है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग हम इसी से कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जब लाइव क्लास वगैरह देना हो, या फिर मान के चलिए कि कोई जूम वगैरह पे मीटिंग वगैरह करना हो,
इसके लिए इसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आती है, एक प्रकार का वेब कैमरा होता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है आपका वो है आपका क्या, टच पैड। तो टच पैड के बारे में आपको पता ही है, जो लैपटॉप में जो स्क्वायर शेप जो जगह होती है जिसका प्रयोग हम किसके स्थान पे करते हैं, माउस के स्थान पे करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है यह एक छोटा सा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। और कह रहा है कि जब लैपटॉप में जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि जो स्क्रीन आपकी होती है, इस स्क्रीन पे पहले से अगर कोई, अगर आपने मतलब माउस नहीं लगाया तो इसी स्क्रीन पे आप जैसे जैसे ऐसे मूव करते हैं वैसे वैसे स्क्रीन पे पॉइंटर की मूव करता हुआ दिखाई, एक प्रकार की इसी जगह को बोला जाता है टच पैड। ये हार्डवेयर होता है और एक प्रकार का ये हमारा टच पैड होता है। और लिखा भी है तरह कि यहाँ पे जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है, और टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है। मैंने फंडामेंटल की जिस दिन क्लास स्टार्ट मैंने किया था उसमें मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था, व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि जो हार्डवेयर दिया हुआ है, ये जो आपका टच पैड दिया हुआ है, इसको हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, अगर छू सकते हैं तो हमारे लिए हार्डवेयर है। यही बात है, इसमें कह रहा है कि हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है और जिसे लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में भी प्रयोग करते हैं, मोबाइल में भी तो दिया रहता है। और कह रहा है कि लैपटॉप से माउस कनेक्ट की, कह रहा है कि लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता। अरे लैपटॉप में इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, माउस के स्थान पे करते हैं, उसमें भी लेफ्ट और राइट बटन दिया होता है आपका, उसमें भी सब तरीके के बटन आपके मिले गए होते हैं, पर यही है कि उसमें हम टच करके अपना सारा काम करवाते हैं। अगला जो दिया है, लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जाता है। और कह रहा है कि लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मेन इसका वर्क यही है कि अगर आप अपने लैपटॉप में कर्सर को मूव कराना है तो इसके लिए आपको टच पैड की रिक्वायरमेंट आती है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है आपका ट्रैक बॉल। क्या आता है, ट्रैक बॉल। कह रहा है कि ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। और कह रहा है कि जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। जैसे क्या होता है, जो आप फिगर में आप देख पा रहे हैं एक प्रकार का ट्रैक बॉल होता है और इसका प्रयोग हम माउस के आधार पर करते हैं, क्योंकि इसका भी नाम क्या दिया है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दिया गया है। और कह रहा है कि माउस के बजाय हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक में भी किया जाता है और लैपटॉप में भी किया जाता है। कह रहा है कि जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बाल को मूव करते हैं वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करता हुआ दिखाई देता है। मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में अगर ट्रैक बॉल दिया है, अगर अलग से माउस नहीं दिया तो भी हम सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन भी होते हैं, और इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगुली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि जैसे जैसे आप बाल को मूव करेंगे, जैसे जैसे आप उंगली को घुमाएंगे वहां पे वैसे वैसे आपको पॉइंटर मूव करता हुआ दिखाई देगा। और फिर कह रहा है तथा कुछ बटन भी होते हैं, इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगुली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। और कह रहा है कि गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमता जाता है। मतलब एक छोटा गेंद जो होता है जिसको हम बॉल बोल सकते हैं, उसको हम जैसे जैसे घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा कर्सर भी मूव करता हुआ दिखाई देगा। और फिर कह रहा है कि चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। और कह रहा है कि यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे कि लैपटॉप स्मार्टफोन आदि के साथ किया जाता है। मतलब इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि माउस ज्यादा स्पेस लेगा और ट्रैक बॉल मात्र कम ही स्पेस में अपना काम कर लेता है, लेकिन काम किसके जैसा करेगा, माउस के ही जैसा करेगा। अब चलिए अगला जो पॉइंट आता है वो है आपका टच स्क्रीन। क्या दिया, टच स्क्रीन दिया है।
देखिए, टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही माउस के पॉइंटर की क्लिक तरह से काम कर सके, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। और कह रहा कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट यानी कि जुड़ने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर और वर्ड्स को टच करता है, जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है और कंप्यूटर टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जो स्क्रीन मतलब स्क्रीन टच वाला लैपटॉप है आपका, या फिर आप एटीएम मशीन पे भी जाते हैं तो आपको पैसे विड्रॉ करना होता है या स्टेटमेंट वगैरह निकालना होता है, उसमें आपको टच करके ही सारा का सारा काम करना होता है। तो एक प्रकार की वो टच स्क्रीन होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप प्रेशर देते हैं उसके हिसाब से आपका सिस्टम वो काम करता है। समझ में आ रहा है ना? और फिर यहाँ पे लिखा भी है कि टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका? टच स्क्रीन का। इसके बाद से लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, एटीएम में भी, इन सभी जगहों पे ज्यादा मात्रा में टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट क्या आता है, लाइट पेन आता है। तो लाइट पेन का वर्क क्या होता है? तो किसी फिगर को अगर आपको बेहतर बनाना हो इसके लिए लाइट पेन की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि लाइट पेन से दो आशय है, पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप भी लगा होता है, और कह रहा है कि यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से आसानी से लिख सके, और कह रहा है कि दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाली इस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए प्रकाश डालने के काम में आता है। जैसे कि किसी फिगर को अगर आपको क्या करना हो, चेंज करना हो, या किसी फिगर में और भी बहुत सारा आपको एडिटिंग करना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा लाइट पेन की रिक्वायरमेंट आती है। लाइट पेन के माध्यम से हम उस फिगर को और भी बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया भी है, कह रहा है कि तीसरा कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैबलेट पेन, और चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है वह एक इनपुट डिवाइस, और कह रहा है कि जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, आमतौर पर जब हम इस लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय इसी से होता है। इसका नमूना प्रोटोटाइप 1950 में यानी कि अमेरिका में तैयार किया गया था, यानी कि सबसे पहले लाइट पेन का इस्तेमाल अमेरिका में किया गया था। और फिर कह रहा है कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में आता है, इसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर में क्या होते हैं, डिस्प्ले भी आते हैं। और फिर कह रहा है कि और काम भी करता है और यह स्क्रीन पर पिक्सल्स भी बनाता है, और इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है, और इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे कि पेंसिल से आप कागज पर करते हैं। जैसे कि आपके हाथ में पेंसिल होता है और कागज पे जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं लाइट पेन से। बस आशय क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्क केवल इतना है कि आपके हाथ में माउस और उंगलियां किस पे होती हैं, कीबोर्ड पर होती हैं। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप किसी भी फिगर को आप आसानी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। एक प्रकार की लाइट पेन होता है जो सबसे पहले 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है ये है आपका बीसीआर, और बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक कंपनियां अपनी सुरक्षा के दृष्टि से सब कोई अपनी बार कोड अलग अलग बनाती है। हर एक प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा कि बार कोड चिपका हुआ मिलता है, कोई सा भी प्रोडक्ट आप लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, उसमें सब पे बार कोड चिपका रहता है। तो बार कोड होता क्या है? तो कह रहा है कि बार कोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे लेके जाती है, और यह डिवाइस बार कोड को पढ़ने के काम में आती है। और कह रहा है कि बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें और पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है, इन लाइनों को बार कहा जाता है, और इसकी जो कोडिंग होती है उसको कोड कहते हैं। ठीक है ना? मतलब एक प्रकार का जो बार कोड होता है आपने देखा भी होगा, जैसे कि मॉल वगैरह में सामान वगैरह परचेज करने जाते हैं तो वहां पर भी बारकोड चिपकाया गया होता है। उस बारकोड के जरिए ये पता चल जाता है कि आपको कितना रुपए का प्रोडक्ट है, अगर कुछ डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, ये बारकोड को स्कैन करने के बाद ही आपको मिल पाता है। तो वही आपका क्या होता है, बारकोड रीडर वाला मॉडल। इसके बाद से क्या आता है अगला पॉइंट, ओएमआर के बारे में आपको पता ही है, जो एग्जाम होता है ओएमआर में। ओएमआर में क्या होता है, एक ही कोई मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें चार ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है, तो उसमें जो एक सही रहता है उसी को हमको क्या करना होता है, गोला बनाना होता है।
तो एक प्रकार का ओएमआर सीट वही होता है। आप देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्लासों में भी इसको लागू कर दिया गया, 20 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में जैसे कि एग्जाम वगैरह में किया जाता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो आपका है एमआईसीआर। एमआईसीआर का प्रयोग बैंकों में चेक की जांच करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमआईसीआर एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है, और इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है, और एमआईसीआर इनकोडिंग को मैसिया लाइन भी कहा जाता है, और यह चेक के निचले हिस्से में होता है। और कह रहा है कि बैंकों द्वारा एमआईसीआर कोड का उपयोग चेक पास करने में किया जाता है, और कह रहा है कि एमआईसीआर कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है। एमआईसीआर कोड को पढ़ने के लिए एमआईसीआर रीडर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने चेक देखा होगा, उस चेक पे चेक नंबर भी लिखा होता है, और उसी चेक नंबर के जस्ट बगल में एक 9 अंक का कोड भी लिखा गया होता है, उसी कोड को हम एमआईसीआर कोड बोलते हैं। अब इसी कोड को पढ़ने के लिए बैंकों में एमआईसीआर मशीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा चेक सही है कि गलत है, इस चीज की आप तभी जांच कर सकते हैं जब आपके पास इस मशीन का प्रयोग है। बस इसी को जांच करने के लिए इस मशीन का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। इसके बाद से आता है आपका ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा तब किया जाता है जब कोई ऑनलाइन क्लास हो जो वगैरह पढ़ाना हो, तो जैसे कि मान के चलिए डिजिटाइजर के माध्यम से हम यहाँ पे बोर्ड पे ना लेकर के उसी डिजिटाइजर ग्राफिक टैबलेट पे हम लिख करके आपको पूरी तरीके से समझा सकते हैं। जो वहां पे लिखेंगे पूरा का पूरा हमको ये बोर्ड पे आसानी तरीके से दिखाई देगा, एक प्रकार का डिजिटाइजर होता है। और देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि डिजिटाइजर टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, और यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी होता है जिसमें स्टाइलिस की सहायता से कुछ भी ड्रा भी किया जाता है, और हम इसे कह रहा है कि हम इसे बिल्कुल स्लेट व पेंसिल की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि डिजिटाइजर टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ कुछ डिजिटाइजर टैबलेट में ट्रैक बाल भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी ट्रैक आपके जो है डिजिटाइजर आते हैं जिसमें ट्रैक बाल भी होता है, तो ट्रैक बाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो ये सारे के सारे एक प्रकार के हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, इसके माध्यम से हम कोई भी ड्राइंग आसानी तरीके से अपनी बना सकते हैं। अब चलिए जो अगला पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कार्ड रीडर। इसके बारे में आपको पता ही है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह डिवाइस बैंक में तथा शॉपिंग मॉल आदि जगहों पे ग्रीन कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। आप SBI बैंक में जाइएगा, अगर आपको पैसे वगैरह जमा करना होगा तो ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा मात्रा में। और वही अगर मॉल वगैरह में जाते हैं तो भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो इसी मशीन के जरिए आपकी पेमेंट होती है। ये सारे के सारे एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत मैंने पढ़ा है। कोई दिक्कत किसी को, तो आज मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया है, तो आज जा करके तब तक आप लैब में क्या करिएगा प्रैक्टिकल में, तो जैसे कि